हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल चेरस पर। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ 6 से 9 मई तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज के इस सेशन से पहले आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के सेशन के स्टार्ट में मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे गए व्यास प्रश्न को सबसे पहले देख लेते हैं, जिसका आंसर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया? ऑप्शन थे श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया। इसका आंसर है मालदीव। 5 मई 2020 को भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया था। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा इस सेशन का अभ्यास प्रश्न है, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे आपको अगली वीडियो में व्याख्या सहित आंसर दूंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा को पुनः मूल्यित, रिवैल्यूएट एवं पुनः नामित किया है? ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, इराक। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हिंदुस्तान यूनिलीवर को ब्रिटेन की हॉर्लिक्स बनाने वाली कंपनी GSK ने कितने करोड़ रुपए में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है? ऑप्शंस हैं 15,500 करोड़ रुपए, 25,500 करोड़ रुपए, 35,500 करोड़ रुपए, 45,500 करोड़ रुपए। इसका आंसर है 25,500 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान यूनिलीवर को ब्रिटेन की हॉर्लिक्स बनाने वाली कंपनी GSK ने 25,500 करोड़ रुपए में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। ब्रिटेन की ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपनी पूरी 5.7% हिस्सेदारी करीब $3.35 बिलियन के शेयर बेच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मरीज द्वारा किसी अन्य को जानबूझकर संक्रमित करने वाले व्यक्ति को उम्र कैद की सजा देने के प्रावधान को हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार, झारखंड सरकार। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस मरीज द्वारा किसी अन्य को जानबूझकर संक्रमित करने वाले व्यक्ति को उम्र कैद की सजा देने के प्रावधान यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की दुकानों पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए ई टोकन सेवा शुरू की है? ऑप्शंस हैं दिल्ली सरकार, मुंबई सरकार, गुजरात सरकार, पंजाब सरकार। इसका आंसर है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली में शराब की दुकानों पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए ई टोकन सेवा शुरू की है, जिसमें लोगों को किसी भी नज़दीकी दुकान पर शराब खरीदने के लिए एक निर्धारित समय पर जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं TS तिरुमूर्ति, राहुल सचदेवा, निर्मल त्यागी, मोहनलाल। इसका आंसर है TS तिरुमूर्ति। TS तिरुमूर्ति साल 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। TS तिरुमूर्ति की नियुक्ति सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ? ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन,
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक। इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे थे। इनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। भारत के बाद फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने इंडिया बिलेनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शंस हैं साइरस पूनावाला, गौतम अडानी, सुनील मित्तल, मुकेश अंबानी। इसका आंसर है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी वो पहले स्थान पर मौजूद हैं। राधा किशन दमानी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? ऑप्शंस हैं दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर, परिणीति चोपड़ा, तापसी पन्नू। इसका आंसर है दिया मिर्जा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की सद्भावना दूत बॉलीवुड एक्ट्रेस निर्माता दिया मिर्जा का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा अब साल 2022 के अंत तक इस पद को संभाले रहेंगी। दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। यह एप्लीकेशन COVID-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? नमस्ते भारत मिशन, वंदे भारत मिशन, एकजुट भारत मिशन, कल्याण भारत मिशन। इसका आंसर है वंदे भारत मिशन। भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। इसके लिए एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे आने वाले सभी यात्रियों को पहुंचने की तारीख से लेकर के 14 दिनों तक अलग आवास में रखा जाएगा, जिसके लिए उन्हें स्वयं ही भुगतान करना होगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ऑप्शंस हैं चीन, नेपाल, जापान, रूस। इसका आंसर है चीन। चीन ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार रॉकेट स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को संचालित करने और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने में सक्षम है। मिशन नए मानव युक्त अंतरिक्ष यान की प्रमुख तकनीकों का परीक्षण करेगा, जैसे कि वायुमंडल में इसके पुनः प्रवेश का नियंत्रण, हीट शील्डिंग और रिकवरी प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शंस है आकाश, गरुड़, कोयल, नमन। इसका आंसर है गरुड़। गरुड़ एक पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। 5 मई 2020 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गरुड़ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। गरुड़ दरअसल राहत कार्यों के लिए ड्रोन उपयोग का सरकारी प्राधिकरण है। ये सशर्त छूट COVID-19 से संबंधित हवाई निगरानी, हवाई फोटोग्राफी और सार्वजनिक घोषणाओं के लिए एक सरकारी संस्था द्वारा तैनात RPA तक सीमित होगी। अन्य RPA गतिविधियां के लिए वो COVID-19 संचालनों से संबंधित ही क्यों ना हो। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA से अलग से अनुमति मांगनी होगी। कई राज्य सरकारें सार्वजनिक स्थलों को कीटाणु रहित करने हेतु ड्रोन का उपयोग कर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया। ऑप्शंस हैं अमरावती, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। इसका आंसर है विशाखापट्टनम। ये हादसा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम में LG पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में हुआ है। LG पॉलीमर फैक्ट्री से स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। स्टायरीन गैस को विनाइल बेंजीन, एथाइल बेंजीन और फेनाइल बेंजीन भी कहते हैं। ये गैस रंगहीन गंधहीन गैस है और यह न्यूरोटॉक्सिन गैस है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर फैक्ट्री से रिसी हुई स्टायरीन गैस के असर को खत्म करने के लिए या उसे निष्प्रभावी बनाने के लिए गुजरात के वापी शहर से एक विशेष रसायन PTBC को रवाना किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि स्टायरीन गैस के प्रभाव को खत्म या उदासीन बनाने में काम आने वाले रसायन PTBC का उत्पादन सिर्फ राज्य के वापी कस्बे में होता है। ध्यान रखिएगा, स्टायरीन गैस को जो निष्प्रभावी करती है गैस, उसका नाम है PTBC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, रूस, कुवैत। आंसर है इराक। इराक के पूर्व खुफिया एजेंसी के प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी ने देश के अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही देश में
5 महीने से चल रहा राजनीतिक संकट खत्म हो गया है और पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफा अल कदेमी 2003 के बाद देश के छठे प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 5 मार्च, 10 जनवरी, 15 फरवरी, 7 मई। इसका आंसर है 7 मई को। 7 मई को सीमा सड़क संगठन मनाया जाता है। सीमा सड़क संगठन ने 7 मई 2020 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। सीमा सड़क संगठन BRO देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। यह पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और इसके रखरखाव का कार्य करता है ताकि सेना की रणनीतिक जरूरतें पूरी हो सके। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं राहुल सचदेव, मोहित अग्निहोत्री, तरुण बजाज, प्रभात राय। इसका आंसर है तरुण बजाज। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है। बजाज 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। आर्थिक मामलों के सचिव बनाए जाने से पहले वो प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1,610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, बिहार, पंजाब, झारखंड। इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने किसानों, लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों, हथकरघा बुनकरों, फूलों की खेती करने वालों, धोबियों, नाइयों, ऑटो और टैक्सी चालकों समेत अन्य को ध्यान में रखते हुए इस राहत पैकेज का ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री मानधन योजना। इसका आंसर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। केंद्र सरकार ने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं कनाडा, मैक्सिको, जमैका, पाकिस्तान। इसका आंसर है मैक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 अप्रैल, 20 मार्च, 4 मई, 10 जून। इसका आंसर है 4 मई। हर साल 4 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है।
इसे पहली बार 1999 में मनाया गया था। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य फायर फाइटरों को सम्मान और धन्यवाद देना है, जो अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों और वन्य जीवों की जान आग से बचाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का प्रतीक दो रंगी रिबन है, जिसमें लाल रंग आग को और नीला रंग पानी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गोवा। इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 29 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। देश भर में फिलहाल 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? ऑप्शंस हैं चीन, नेपाल, उत्तर कोरिया, जापान। इसका आंसर है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने COVID-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं मैट्रिक्स योजना, वेक्टर योजना, एप्लीकेशन योजना, इनवर्स योजना। इसका आंसर है मैट्रिक्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की? ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, झारखंड, कर्नाटक। आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों, पहला है बिरसा हरित ग्राम योजना, सेकंड नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, थर्ड वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना की शुरुआत की है। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में लौट रहे 6 लाख मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इन योजनाओं की मदद से लगभग 25 करोड़ मानव कार्य दिवस का इंतजाम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं 4, 2, 3, 1। आंसर है 3। 3 फोटोग्राफरों को, जिसमें फर्स्ट हैं डार यासिन, सेकंड मुख्तार खान और थर्ड चन्नी आनंद को न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करते हैं, जो इन्हें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के लिए यह सम्मान मिला है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत साल 1917 में हुई थी, जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से
किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं अप्रैल महीने के पहले मंगलवार को, मई महीने के पहले मंगलवार को, जून महीने के पहले सोमवार को, मार्च महीने के पहले शुक्रवार को। इसका आंसर है मई महीने के पहले मंगलवार को। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष के मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को अस्थमा बीमारी के बारे में जागरूक करना है। इसे सबसे पहले 1998 में मनाया गया था, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। अस्थमा के मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, बहुत जल्द सांस फूल जाता है, खांसी आती है। वैसे यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन इस समय बच्चों में यह बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे। आंसर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार इस पुरस्कार से दो आयामी वैन डेर वॉल सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 5 मई 2020 को किसके सहयोग से नीति आयोग ने COVID-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं टाटा फाउंडेशन, पीरामल फाउंडेशन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है पीरामल फाउंडेशन। मई 2020 को पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग ने COVID-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के तहत असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी 25 जिलों में 2.9 मिलियन से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को कवर किया जाएगा। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस आंसर यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अभ्यास प्रश्न का उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। उसका उत्तर आपको अगली वीडियो में व्याख्या सहित मिल जाएगा।